पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ी अपडेट। राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मुकदमा दर्ज। आरएसएस ने हरिद्वार में मुकदमा किया। राहुल ने कहा था 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शनिवार को एक और मानहानि का केस दर्ज हो गया है। यह केस आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार में किया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। इसी को लेकर संघ की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में होगी। राहुल ने कहा था 21वीं सदी के कौरव खाकी पैंट पहनते हैं। 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंबाला जिले में राहुल एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि कौरव कौन थे, मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा। वे खाकी पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल को पेश होने के लिए पटना कोर्ट ने दिए निर्देश। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिली, संसद सदस्यता भी गई। उसके बाद राहुल गांधी पर अभी भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है और आज एक और राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।